हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर ट्रस्ट के स्टीमर और वेपराइजर का। ये जो स्टीमर या वेपराइजर है, ये हमने ऑनलाइन परचेज किया था। इसका जो एमआरपी है वो 2000 रुपये है और ये मुझे 1200 रुपये के सेलिंग प्राइस पर मुझे ये मिला, मतलब कि मुझे इस पर 800 रुपये का डिस्काउंट मिला। और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे बाद में लगा, क्योंकि जब मैंने इसको परचेस किया था तब इतना खास मैं कुछ कन्विंस्ड नहीं थी कि मुझे ये परचेस करना ही चाहिए, कि क्या ये इतना काम आएगा। बट आफ्टर मैंने जब इसको परचेस किया, उसके बाद में मुझे काफ़ी ये काम आया। घर में जब भी मौसम बदलता है, कई बार हमें कभी कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, खांसी, फ्लू, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें इनहेल एक्सहेल करने में, हमको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन होता है कि हम प्रॉपर स्टीम लें, प्रॉपर अपने जो ब्रोंकस है, अपना जो थ्रॉट है, नोज़ है, उसको हम स्टीम के थ्रू जो भी एलर्जी के इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आए हैं, जैसे कि हमारा नाक का बंद होना या हमारे ब्रोंकस में स्वेलिंग आ जाना या जो भी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कफ का बहुत ज़्यादा बनना या चेस्ट में कंजेशन होना, तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है स्टीमर। इस स्टीमर की खास बात ये है कि ये जो स्टीमर है, ये काफ़ी आसान टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले देखें तो एक यहाँ पर ये आपको पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पर ये एक हीटर है जो बहुत जल्दी से इसमें पानी गर्म हो जाता है, और फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर पानी फिल करना होता है और आपको इसको ऑन करना होता है, और ऑन करते ही ये पानी गर्म होना इसमें स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं पानी के अंदर, आप नॉर्मल स्टीम भी ले सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो डीकंजेस्टेंट इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि आपको कफ कोल्ड के अंदर बहुत हेल्प करता है पेन से रिलीफ लेने करने में। और आप जब कभी नॉर्मल स्टीम, अपना ब्यूटिफिकेशन के लिए भी अपना स्टीमर या वेपराइजर को यूज़ कर सकते हैं। तब जब आप इसको यूज़ करें तो अरोमा थेरेपी के लिए आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑयल्स मार्केट में मिलते हैं, लेवेंडर ऑयल, जो भी आपका फेवरेट जो अरोमा है, उसको आप इसमें डाल करके अरोमा थेरेपी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसके और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फीचर है, इसमें दो लेवल का सेटिंग इसमें दिया हुआ है, मतलब कि आपको जब स्टीम लेना है तो आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको कितना स्टीम चाहिए एक लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आपको स्टीम कम लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा लग रहा है तो उसको आप कम भी कर सकते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। कई बार जो और अदर स्टीमर्स हैं उनमें हम स्टीम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से जैसे मेरे साथ ये होता था कि स्टीम मुझे ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब एक जेंटल स्टीम मुझे पसंद है, बट ज़्यादा स्टीम होते ही इसे दम घुटने जैसा हालत हो जाती है। तो उस केस में ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें दो लेवल की सेटिंग्स इसमें दी हुई हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसके हेड की। तो इसका जो हेड है वो कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले यहाँ पर एक सेटिंग के लिए एक चीज़ है, जिसको आप सबसे पहले आप जब इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर इसको आपने बंद कर दिया है तो सारी की सारी स्टीम अंदर ही रहेगी जब तक वाटर बॉइल नहीं होता है। आप इसको बंद करके रख सकते हैं, तो आपका जो अरोमा थेरेपी के लिए जो भी ऑयल है, जो भी डीकंजेस्टेंट है, वो एकदम से उड़ नहीं जाता है, वो इसके अंदर ही बंद रहता है। और जैसे ही वाटर का वेपर बनना स्टार्ट हो, आप इसको जब खोलते हैं तो एकदम से वो वेपर, वो स्टीम आपके जो नेजल पैसेज है, आपके जो ब्रोंकस है, आपके रेस्पिरेशन वाला जो हमारा ट्रैक्ट है, उसके अंदर जब जाता है तो वो काफ़ी असरदार होता है। और जब आप अपने नेजल पैसेज के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं इसको, हमारी कोई कोल्ड का फ्लू के अंदर जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम इस वाले पार्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर जो स्टीम है वो आपके नोज़ के अंदर ही पेनिट्रेट करती है, नोज़ के अंदर ही जाती है, वो आसपास कहीं और एरिया में नहीं फैलती है। तो ये इसकी खास बात है कि इसका जो बनावट है वो काफ़ी अच्छा है। आप इसको नोज़, मतलब कफ कोल्ड फ्लू में एज अ वेपराइजर, जो नेबुलाइजर बच्चों का होता है, उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इसको एज अ स्टीमर, जो अपना फेशियल
स्टीमर मार्केट में अवेलेबल है, अगर वैसे यूज करना है तो इसको एक फेस का शेप भी इसे दिया हुआ है, तो जिसमें आपको क्या करना है बस अपना फेस को यहाँ पर रख करके प्रॉपर पूरा स्टीम अपने फेस पर ले सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यूज़ कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले इसको इस तरीके से खोलना है। इसमें आपको कितना स्टीम करने के लिए कितना वाटर चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमने इसमें पानी डाल लिया और मैं इसमें ड्रिंकिंग वाटर का ही यूज़ कर रही हूँ और ये हमने यहाँ पर पानी डाल दिया। और इसकी सबसे खास बात है कि स्पिल प्रूफ है। अगर आप इसको इस तरीके से लॉक कर देते हैं तो ये स्पिल नहीं होता है। तो मैंने इसको कर दिया लॉक, अब ये जो है स्पिल प्रूफ हो गया है। अब यहाँ से हम इसको जब आपको डीकंजेस्टेंट डालना है तो इस यहाँ से कुछ ड्रॉप एसेंशियल ऑयल या जो भी आपको अरोमाथेरेपी लेनी है उसका एसेंशियल ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी मैं नॉर्मल स्टीम ही लूँगी क्योंकि मुझे कोई कोल्ड कफ नहीं है, तो नॉर्मल स्टीम के लिए ही हम ट्राई करते हैं। अभी हमने इसको यहाँ से लॉक को कर देना है बंद, तो मैंने ये बंद कर दिया और इसको कर देना है ऑन। तो मैंने इसको जो टॉप लेवल वाला सेटिंग है नंबर 2 पे मैंने इसको ऑन कर दिया है और ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो ब्लू लाइट है, इंडिकेटर जो हम कह सकते हैं, लाइट इंडिकेटर जो LED इंडिकेटर है यहाँ पर, वो ऑन हो चुका है। तो ये भी अच्छी बात है कि इसमें एक इंडिकेटर भी है कि ये ऑन है या नहीं है, तो वो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब ऑन करने के बाद में थोड़ी ही देर में ये स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में ये स्टीम बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें स्टीम बनना जब स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ से ऑन करने के बाद में आपको इस तरीके से इसमें स्टीम लेना है। अब सबसे खास बात ये है कि अभी इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है, आपको ओनली वाटर के बॉयल होने की आवाज़ आएगी और इसके अलावा इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कम नॉइस इसमें आता है जो कि वाटर के बॉईल होने का नॉइस है, अदरवाइज मशीन का कोई नॉइस इसमें नहीं आता है आपको। तो इस तरीके से आप इस स्टीमर का यूज कर सकते हैं और ना केवल घर में आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली स्टीमर या वेपराइजर का जो है यूज कर सकती है। अब अगर आपको स्टीम ज्यादा लग रही है तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं और यहाँ से ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से स्टीमर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप कैसे कैसे और चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं घर में। अब बात आती है कि हम और इसके क्या यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आपको इसके यूजेस करने हैं तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं कि आप अपने घर को डिफ्यूज़र के थ्रू आप अरोमा थेरेपी, मतलब घर में खुशबू फैलाने वाला एक डिफ्यूज़र जो आता है उसकी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हम कहते हैं कि मॉइस्चर को क्रिएट करने वाला जो हम घर में ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूजेस हैं, आप जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था रिव्यू होम स्पा जो डॉक्टर ट्रस्ट का जो स्टीमर है, वेपराइजर है, उस मशीन का। काफ़ी अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा, बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, शायद साल भर हो गया होगा इस पर। हाँ इस पर एक वारंटी भी आई थी, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो 6 मंथ्स का शायद इस पर वारंटी भी था, बट मुझे वारंटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी अच्छा मशीन है, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है और इसका जो हेड है, माउथ पार्ट है, उसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप प्रॉपर स्टीमिंग जो प्रोसेस है उसको इन्जॉय कर सकते हैं या होम स्पा को इन्जॉय कर सकते हैं। अपने अगर आपको कोल्ड का फ्लू हुआ है तो उसके अंदर भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो आई थॉट कि ये यूज़ करने से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, अगर आपको भी इसमें हेल्प मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड टिल देन बाय बाय।